अजमेर के फॉय सागर रोड पर सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र 2 पर दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन हुआ। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने 523 नव आरक्षकों की दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि सीआरपीएफ महिला और पुरुष बटालियन ने परेड, जूडो, कराटे, तलवारबाजी के अद्भुत करतब दिखाए। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को बधाई दी। आज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस की पासिंग आउट परेड थी और बड़ी मात्रा में महिला सदस्य सीआरपीएफ में आज ज्वाइन करा है। मैं सीआरपीएफ को बधाई देता हूं और जितने भी नए जो रिक्रूट्स हैं जो आज सीआरपीएफ में सदस्य बने उन सबको मैं बधाई देता हूं। देश की जो आंतरिक सुरक्षा है वो इन सीएपीएफ के कंधों पर है। इनके जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, बहुत कठिन परिस्थितियों के अंदर अपनी सेवा देते हैं और अपनी जान की परवाह करे बगैर, चाहे वो नक्सल का इलाका हो, माओवादी इलाका हो, आतंकी इलाका हो, देश की सुरक्षा करते हैं। मेरी इन सब सभी को, इनके परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज का जो दीक्षांत परेड समारोह हुआ है जिसमें 500 से अधिक नवरक्षियों ने शपथ ली है और उन्होंने अपनी सेवाएं देश के प्रति समर्पित की हैं, ये बहुत ही भव्य समारोह था और इसमें बहुत कड़ी मेहनत जो है वो की गई है, रिक्रूट्स द्वारा भी और उनके प्रशिक्षकों द्वारा भी। और ये 44 हफ्ते का प्रशिक्षण इनको दिया गया है और बहुत ही मेहनत से इनको एक अच्छा योद्धा बनाया गया है।